नगर पंचायत अध्यक्ष और सीएमओ की मनमानी, सीएससी संचालक को पुराने नगर पंचायत से हटाने दिखाया बल। पुराने नगर पंचायत को निःशुल्क संचालन के लिए आवंटित किया था, लेकिन कलेक्टर के आदेश को दरकिनार कर नगर पंचायत सीएमओ ने भेजी किराया नोटिस। 2018 से संचालित है लोक सेवा केंद्र, नगर पंचायत ने भी निःशुल्क किया था आवंटित। अपनी ही पत्र और आवंटन का जानकारी नहीं नगर पंचायत को। जिले में निःशुल्क संचालित हो रही है कई और सेंटर, जिनसे आज तक नहीं ली है शुल्क। डोंगरगांव नगर पंचायत ने कलेक्टर के आदेशों का किया अवहेलना। जी, मैं पंचुराम साहू, पुराना नगर पंचायत डोंगरगांव में आधार संचालन का कार्य विगत 5 वर्षों से कर रहा हूँ। और यहाँ चूँकि पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में कर रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश दिशा निर्देशन में लिखित में जो मुझे प्राप्त हुआ कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही आधार बनाई जाएगी, प्राइवेट में नहीं बनाई जाएगी, नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो दिशा निर्देश और कागज़ के हिसाब से कलेक्टर साहब का जो आदेश जारी हुआ, उसके हिसाब से उस आदेश को मैंने नगर पंचायत में दिया। उसके हिसाब से इनने मुझे नगर पंचायत का एक कमरा आवंटित किया स्थायी रूप से आधार बनाने के लिए और सीएससी चलाने के लिए। अब चूँकि ये चल रहा था कंटिन्यू, और आज के डेट में ई केवाईसी लोगों को कराना ज़रूरी है पीडीएस में, उसके लिए छोटे बच्चों का 5 साल और 15 साल के बच्चों का अनिवार्य रूप से मैंडेटरी बायोमेट्रिक करना है, जिसके लिए अभी बहुतायत संख्या में भीड़ लगी हुई है। रोज़ 200, 400, 500 की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दराज से आते हैं, छोटे बच्चे लेके आते हैं। इस वक्त नगर पंचायत द्वारा मुझे लगातार 2-3 नोटिस जारी की गई, जिसमें पहला नोटिस में उनने कहा कि आप 3 दिन के भीतर इसको खाली करना है नगर पंचायत को, और अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। तो आपको खाली क्यों कराना चाहते हैं, क्या उनके उनको कलेक्टर का आदेश हुआ है? अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन दूसरा नोटिस में उनने जिक्र किया है कि मेरे ऊपर 1,41,000 का किराया वसूलना चाह रहे हैं। और मैंने पूछा कि ये किराया क्यों वसूलना चाह, ये नगर पंचायत पुराना नगर पंचायत आवंटित हुआ था तो क्या उस पत्र में शुल्क का उल्लेख हुआ था? महोदय जी, मैं बता दूं कि कलेक्टर सर द्वारा जो जारी पत्र है, उसमें कहीं पर भी कोई नियम शर्त नहीं है कि हमको किराया देना है या बिजली बिल पटाना है। उसके अगेंस्ट में जो लेटर नगर पंचायत से मुझे मिला है, एक तो 2018 में मिला है तत्कालिक सीएमओ द्वारा, उसमें भी कहीं भी कोई माने किराया और ना ही बिजली का जिक्र है, ना ही इनने मेरे से कोई किराया नामा करवाया है। आपके अलावा भी राजनांदगांव जिले के कई जो जनपद पंचायत है वहाँ पे सीएससी सेंटर संचालित है, क्या उनसे भी ऐसा किराया वसूला जाता है? नहीं, अभी तक कोई सेंटर वाले ने कहीं पर भी किराया नहीं भरा है, क्योंकि ऐसा किराया का कहीं पर भी जिक्र नहीं, इसलिए देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई अभी तक नहीं दे पा रहे। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? आगे अब सर, मैं मेरे पास जो कलेक्टर सर का आदेश लेटर है, दो सीएमओ सर का है, उस हिसाब से जो पत्र के हिसाब से मेरे को लगता है कि नगर पंचायत जबरदस्ती परेशान करने की नियत से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक बता दूं कि अभी एक हफ्ता पहले मेरे गैर हाजिरी में यहाँ पे आधार की काम चल रही थी, काफ़ी संख्या में लोग थे, और बिना कोई सूचना के खंभा में चढ़ के लाइट काट देते हैं। तो मुझे जब दूसरे दिन पता चलता है बाहर से, तो मैंने लिखित और मौखिक तौर पे बिजली ऑफिस में कंप्लेन किया, तो वहाँ के जब कर्मचारी आए सुधारने के लिए, तो देखे कि ऊपर से कटा था बिजली पोल से, तो वो जब चढ़े सुधारने के लिए, तो एक नगर पंचायत का कर्मचारी दीपक मेश्राम द्वारा उनको आके रोक दिया गया कि नगर बिजली जो है विद्युत विभाग काटी है, फिर नगर पंचायत कर्मचारी, नगर पंचायत के कर्मचारी काटे हैं। तो ऐसा क्या नियम है क्या कि नगर पंचायत के अधिकारी जो हैं विद्युत को काट सकते हैं? अब ये तो मैं, मेरी जानकारी में नहीं, इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, उतना ज्ञान नहीं है कि क्या है कैसा है कानून का जी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उनने आके रोका कि नगर पंचायत द्वारा अवरुद्ध किया गया है, काटा गया है, आप लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, तो वो लोग अपने पैर चले गए। नाम बता दो। मैं पंचुराम साहू, आधार संचालक, पुराना नगर पंचायत डोंगरगांव।
का खुलवाना है, अंगूठा बताते कि नहीं, वेरीफाई नहीं करे आपका केस महीना ज्यादा हो शाम तक क्या ही है रखिए देश के हर शहर हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ फास्ट आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।